hello students in our previous class we have completed the chapter of air isn't it we have done uh, the chapter and book exercises and we have done the question answers too hope all of you read them too today we are going to start a new chapter that is lesson 14 water just we came to know about what is light what is sound and what is air now we are just going to learn more about what water is so what is the learning plan let us see this at the end of this chapter learners will be able to what what you will be able to know about this chapter is you can describe the three forms of water yes water exists in three forms so you can come to know about the three different forms of the water and you can explain the water cycle how it is going on now children

रानी और संजय बाहर खेल रहे थे और वो स्काई में डार्क कलर क्लाउड्स देखे थे कब इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड थॉट इट वुड रेन फिर वो देखते देखते इनको लगा कि हाँ अभी बारिश हो सकता है हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म एंड वे डू दे गेट दे आर वाटर फ्रम सो वी कैन कम टू अ कंक्लूजन अबाउट दिस क्वेश्चन वॉट द क्वेश्चन इज हाउ डू क्लाउड्स फॉर्म या क्लाउड्स कैसा फॉर्म होता है एंड वेयर डू दे गेट देयर वॉटर फ्रॉम क्लाउड्स फॉर्म हो जाएंगे फिर उसकी थोड़ी देर बाद पानी वी कैन सी इट इन द फॉर्म ऑफ रेन सो हाउ वेयर द क्लाउड्स आर गेटिंग दिस वॉटर फ्राम वी कैन ईजीली आंसर दिस क्वेश्चन आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर सो लेट एस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द चैप्टर एंड गो थ्रू दिस थ्री फॉर्म्स ऑफ वॉटर सो वी हैव टू नो अबाउट द मे थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर वाटर की थ्री फॉर्म्स क्या है द्री फॉर्म्स ऑफ वॉटर आर आपको पता भी है यू कैन गस गिल्ड्रन हाउ कैन यू सी वाटर इन थ्री फॉर्म्स आइस यस आइस जो होता है फ्रीजर में अपन रखते हैं आइस क्यूब्स है ना शेक वगैरह जब बनाते हैं हम और स्पेशली इन समर्स वी लाइक टू हैव आइस क्यूब्स है ऑल द ऑल टाइप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स वाटर वेपर वाटर की वेपर फॉर्म में एंड वाटर नॉर्मली जो वाटर आप डेली देख सकते हो वो वॉटर फॉर्म में देखते हो एंड इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन थ्री फॉर्म्स वी कैन सी इन थ्री फॉर्म्स वी कैन सी दॉटर आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर आइस क्या होता है सॉलिड फॉर्म है जैसा जस्ट टेक एन आइस क्यूब एंड यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड इज इज इट हाँ यू कैन फील कूल बट स्टिल वी कैन होल्ड इट फॉर समाइम स्पेशली इन समर्स वी कैन होल्ड इट और एल्स यू कैन कीप इट इन ए का एंड ऑल्सो वी कैन सी हाउ द आइस क्यूब इज है ना आइस क्यूब कैसा है वो आप पकड़ के भी देख सकते हो एंड वट द फॉर्म ऑफ द वॉटर इज इन दैट उस आइस क्यूब में वॉटर किस फॉर्म में है किस रूप में हम देख सकते हैं वो सॉलिड है सॉलिड मीन्स एनीथिंग दैट हैज फिक्सड शेप है ना जिसका एक फिक्स शेप होता है और जिसको आप होल्ड कर सकते हो है ना आराम से पकड़ भी सकते हैं और जिसका एक कुछ फिक्स शेप है जैसा वॉटर को आप पकड़ सकते हो क्या अपनी पाम में थोड़ा सा वाटर लीजिए एंड ट्राई टू होल्ड इट कैन यू होल्ड द वाटर नो बिकॉज इट इज़ नॉट इन द सॉलिड फॉर्म वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है इसीलिए हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं सो आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर सो आइस क्या होता है आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है हार्डेस्ट फॉर्म है वाटर वेपर इज द गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर वेपर क्या होता है वाटर की गैस फॉर्म है जैसा वी कैन वी नो यू नो चिल्ड्रन कार्बन डाइक्साइड कार्बन मोनॉक्सा की, तरह तरह की गैसेसो में यू कैन कम टू नो मोर अबाउट दिस सो वॉटर वे पर क्या होता है वॉटर की एक फॉर्म है जिसमें वॉटर कैशियस फॉर्म में होता है गैस जैसा अवेलेबल होता है वो है ना तो इसमें क्या आप um, देख नहीं सकते हो उसको क्लियरली मतलब ना पकड़ सकते हो ना क्लियरली आप देख सकते हो है ना तो और नॉर्मली वाटर तो आप आराम से देख सकते हो फ्लो होते हुए हैं और एंड इन सॉलिड फॉर्म यू कैन जस्ट होल्ड इट ऑल्सो एंड यू कैन फील द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सॉलिड फॉर्म सो वाटर थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट होते हैं द फर्स्ट वन इट इज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ आइस लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वाटर एंड गैशियस स्टेट में होता है वाटर वेपर और ये सॉलिड लिक्विड एंड स्टेट जो होते हैं ये टाइप्स ऑफ मैटर है ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में मीन्स इन यार फोर्थ क्लास यू कैन कम टू नो वट इज अ सॉलिड वॉट इज लिक्विड एंड वॉट इज स्टेट इन डिटेल ओके सो आप दिस क्लास मीन्स इन क्लास थ्री यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट यस वी कैन वट एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स वे आर वन इज सॉलिड फॉर्म

No, we cannot. You cannot. Not only you. वन के नॉट इट फ्लोस आउट बिकॉज वाटर कहीं रुकता नहीं है वो हमेशा फ्लो होता रहता है वी कैनोट होल्ड वाटर बिकॉज इट इज अ लिक्विड है क्योंकि वॉटर लिक्विड फॉर्म में है यह लिक्विड्स का एक स्पेशलिटी होते हैं ऑल लिक्विड यूज टू फ्लो वो फ्लो होते हैं इसीलिए हम उनको होल्ड नहीं कर पाते हैं दिस इज अ स्पेशलिटी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड लिक्विड ये लिक्विड क्या होता है लिक्विड इज समथिंग विच डजेंट है फिक्सड शेप मतलब लिक्विड क्या होता है एक एक ऐसा चीज है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है जैसा मिल्क का शेप बता सकते हो आप ऑयल वाटर वी कांट से बिकॉज़ ऑल दिस आर लिक्विड्स ये सब लिक्विड स्टेट्स में है तो इनकी शेप तो आप कभी बता नहीं सकते हो उनकी शेप किस पे डिपेंड करते हैं दे विल जस्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर मान लीजिए आपने वाटर ग्लास में लिया तो यू कैन जस्ट सी इन द शेप ऑफ द ग्लास और एक टब में देखा तो टब जैसा देख सकते हो और बकेट यू कैन सी एज अ बकेट और इन अ बाउल सो जो भी कंटेनर मतलब जिसमें आप इसको रख रहे हो जिसमें आप उसको रख रहे हो उसी का शेप वो ले लेता है एंड स्पेशली वोटर डू नॉट है मैटर जो मैटर होते हैं जिसका कोई शेप नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा लिक्विड्स विच हैज़ नो शेप विच डजेंट हैव एनी फिक्सड शेप एंड विच वी कैन नॉट होल्ड इन आर हैंड्स कैन यू होल्ड अ वाटर और मिल्क इन यर हैंड्स नो इट इज़ इम्पॉसिबल

एंड विच वी कैन होल्ड इन आर हैंड और जिसको आप अपने हाथ में पकड़ भी सकते हैं लेट एस सी नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डू एन एक्टिविटी चिल्ड्रेन सो दैट हाउ वॉटर को हमेशा लिक्विड फॉर्म में ही रहना जरूरी है क्या यू नो वी कैन कन्वर्ट इट इन टू सॉलिड फॉर्म ऑल्सो बट हाउ कैन वी डू दिस सो लेट एस डू दिस सम प्रैक्टिकली एक्टिविटी वन एक्टिविटी गिवन फॉर यू विच यू कैन डू वेरी इजिली एंड इट इज़ अ वेरी वेल नोन एक्टिविटी टू यू So so ये ये अपने मतलब रूप को बदल सकती है कैसा लिक्विड से सॉलिड में क्या करोगे तो लिक्विड सॉलिड होता है ऑन फ्रीजिंग मतलब उसको फ्रीज करना है उसको फ्रीज में रखनी है आपको अगर आप फ्रीज करके उसको फ्रीजर में रखोगी तो जरूर हम उसका शेप अपन चेंज कर सकते हैं थिंग्स रिक्वायर्ड आपको क्या क्या चीजें चाहिए इसको ऐसा चेंज करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट वी रिक्वायर अ ट्रे एन आइस ट्रे एंड वॉटर वट आर द टू थिंग्स दैट वी रिक्वायर आइस ट्रे चाहिए आइस मतलब आइस क्यूब्स बनाना हो तो आपको आइस की ट्रे की भी जरूरत है एंड अलंग विद दैट हमको वाटर भी चाहिए मेथड क्या प्रोसीजर आप फॉलो करोगे इसके लिए ये बहुत ईजी है ऑलरेडी आप सबने किया भी होगा कई बार एट योर होम है ना टेक द आइस ट्री एंड प्योर सम वॉटर इन टू इट एक आइस ट्री लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए प्योर यू आर पोर मीन्स पानी डालना लीव इट इन द फ्रिज फ्रीजर ओवर नाइट आप उसको ओवर नाइट पूरा ऑल थ्रू द नाइट के लिए आप इसको फ्रीजर में रखिए डीप फ्रिज जो होता है ना घर पे फ्रीज में फ्रीज़र पोर्शन जो है उसमें ये आइस ट्रे में पानी डाल के फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए रख दीजिए अभी नोवे डेज सो मेनी वेराइटीज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स आर अवेलेबल टू क्विक आइस करके भी एक ऑप्शन आता है जैसा वन टू आवर्स में ही हम आइस ये बना सकते हैं इतना ओवर रखने की भी ज़रूरत नहीं है वो वाला ऑप्शन ले लीजिए आप और क्विकाइस में आप आइस ट्रे में पानी डाल के रख दो तो एज सुन एज मीन्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मॉडल वॉट यू हैव वो टू आवर्स और थ्री आवर्स विद इन वन एंड हाफ आवर ऑल्सो वी कैन गेट आइस क्यूब्स टेक इट आउट इन द मॉर्निंग नॉर्मली अगर आपने ओवर नाइट फ्रीज किया तो मॉर्निंग वो आइस ट्रीम निकाल के देखिए वट ड यू गेट इन द आइस ट्रीम वट कैन यू सी जो वॉटर आपने फील किया वो वॉटर एज इट इज रहेगा क्या नो वॉट कैन यू सी इन दैट दिज आर द आइस क्यूब्स यस वी कैन सी द आइस क्यूब्स नॉट द वॉटर दैट विच वी हैव केप्ट यू कैन होल्ड दीज इन यर हैंड्स इजन ट वो आइस क्यूब्स को आप आराम से होल्ड भी कर सकते हो पुट समी इन ए ग्लास एंड समी ने बाउल फिर वो ही आइस क्यूब्स को कुछ आइस क्यूब्स आप ग्लास में रखिए कुछ बाउल में रखिए डो चेंज देर शेप जैसा वाटर को अगर आप बाउल में रखा तो बाउल जैसा दिखेंगे ग्लास में रखा तो ग्लास जैसा बट आइस क्यूब्स क्या ग्लास में ग्लास आइस क्यूब बाउल में बाउल आइस क्यूब ऐसा दिखेंगे नो दे विल बी द सेम डो देंज देर शेप नो दे हैव अ फिक्स्ड शेप जैसा आपने जो ट्रे सेलेक्ट किया उस ट्रेस में भी जैसा किसी में सर्कल वाला आइस क्यूब्स आएंगे किसी में स्क्वायर किसी में ट्राइंगल ना बहुत तरह तरह की शेप्स आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द आइस ट्रे दैट यू हैव टेकन द आइस क्यूब्स विल फॉर्म इन दैट वे मतलब जो भी शेप ट्रे आपने लिया उसी शेप में आपको आइस क्यूब्स आएंगे एंड दोज आइस क्यूब्स इफ यू होल्ड देम इन योर हैंड और इफ यू प्लेस दम इन ए बाउल और ग्लास और एनी अदर वेसल ऑल्सो यू कैन सी द सेम टाइप ऑफ आइस क्यूब्स द आइस क्यूब शेप नेवर चेंजेस बिकॉज सॉलिड्स हैव शेप उनका एक शेप फिक्स होते हैं बट लिक्विड्स क्या करते हैं जिस कंटेनर में आप उसको रखो उस शेप में चेंज हो जाते हैं सो वॉर द कंक्लूजन बाई डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वॉट वी केम टू नो इज़ वी केम टू नो दैट वेन वी फ्रीज वाटर जब वॉटर को हम फ्रीजर में रखते हैं इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्राम लिक्विड टू सॉलिड मतलब ऑन फ्रीजिंग फ्रीज करने से फ्रीज करने से मतलब टेम्परेचर पूरा डाउन करके रखने से फ्रीज़र में रखने से पानी अपना रूप को इट विल चेंज इट्स फॉर्म मतलब वो अपनी जो फॉर्म है लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी बेटा सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है सो so, दिस पर्टिकुलर प्रोसेस को वैन द चेंजिंग ऑफ लिक्विड फॉर्म इन सॉलिड फॉर्म ऑन फ्रीजिंग इज नथिंग बट क्या है सो दिस इज द कंक्लूजन विच वी आर गिविंग हियर ना वेन वी फ्रीज वाटर, वाटर को जब आप फ्रीज करते हो क्या होता है इट चेंजेस इट्स फॉर्म फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इस पर्टिकुलर मेथड को हम एक नेम भी देते हैं बट आई थिंक दैट इज नॉट मेंशन इन योर बुक इट्स ओके okay, है ना सो वाटर को आप लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म को चेंज किया तो इसको क्या बोलते हैं दिस इज नथिंग बट फ्रीजिंग इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं इज इट ओके चिल्ड्रेन सो व्हेन वाटर वैन वॉटर मींस क्या होना है मतलब वाटर जो लिक्विड फॉर्म है वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होके हार्ड हो जाते हैं फ्रीज मीन्स टू हार्ड एंड आइस आइस जैसा हार्ड हो जाना वैन वाटर फ्रीजस इट बिकम्स हार्ड फील्स कोल्ड एंड चेंजेस इन सॉलिड मतलब पानी को कभी भी

वाटर की फॉर्म में मतलब आइस में मीन सॉलिड में और नॉर्मल वाटर मतलब लिक्विड ये दो ही फॉर्म्स में हम देख सकते हैं क्या अस फाइंड आउट सो डू वन मोर एक्टिविटी टू फाइंड आउट दिस एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट एक्सपेरिमेंट इन आर नेक्स्ट क्लास ओके चिल्ड्रन सो जस्ट गो थ्रू वॉट आई टॉट you today uh, that is water has three forms solid liquid gas and uh, what is the solid form of water liquid form and gaseous form after that we have done an activity to show what is freezing freezing kya hota hai freezing is nothing but the change of water from uh, liquid form to solid form usko hum freezing bolte hai. is it okay children a small info bit is given here see that about 70% of the human brain is water see अपनी ह्यूमन ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली सेवेंटी परसेंट वाटर से बना हुआ है इवन आर ह्यूमन बॉडी ऑल्सो दैट्स वाई वी नीड मोर एंड मोर वाटर टू कीप इट हाइड्रेटेड सो चिल्ड्रन गो थ्रू वीडियो आफ्टर दैट ट्राई टू रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट ओके थैंक यू